अपनी सेविंग्स से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो लोग जरूर करें थोड़ी सी हेल्प, मतलब थोड़ी थोड़ी भी बहुत मैटर करती है इसमें। बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं और उनको ना मतलब खाना मिलता भी नहीं है, तो ये लोग जा रहे हैं सब आज। हाँ, हमारे आखिरी गेस्ट भी हमारे इतने दिन से साथ, अब ऐसा लगेगा दो दिन दिन की कोई नहीं है घर पे। वो नहीं है, सबसे ज्यादा मिस कर रही है इनको, देखना कहाँ चलेगी, इनके पैरों के नीचे छुप गई। मेरे को भी ले जाओ ऋषिकेश घुमाने। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज भी तुर्की का मौसम कुछ ऐसी है, देख सकते हो आप, हम धूप का वेट करते रहते हैं। और यहाँ देखना, ये देखना लूना की ड्रेस भी चेंज हो गई आज, और बाकी सब लोग भी जा रहे हैं, तो आज फिर अकेला अकेला रहेगा थोड़े दिन, कुछ चले जाए ना कोई, तो ऐसा दिखता है अकेला अकेला सा। और यहाँ देखना, ये इनकी मस्ती चल रही है लूना की, लूना को ठंड लग रही है यहाँ तुर्की के मौसम में, इसको गर्मी दी जा रही है बॉडी में। इतने से है नहीं, घोड़े में भौंक रही है, देख रहे हो इसके बच्चे भी हो रहे हैं। देख, हाँ वो बच्चों के पीछे ना उनकी माँ काटती है फिर लूना को, तो दो नहीं बहुत है। वो देख लूना को देखो है, अबे भाई परसों इसको ना वहाँ गाड़ी में लेके, और वो देखिए चिल्ला रही, भौंक रही इतनी जोर जोर से, देखना इतने से है नहीं, इतने बड़े घोड़े भी भौंक रही, देखना भाई लूना को देखो है कैसे भौंक रही, इतने से है नहीं, लात पड़ेगी ना एक, देखो डर भी रही है और भौंकना भी है। हम आए थे अभी यहाँ पे हार्डवेयर के शॉप में, और हम यहाँ से लगा रहे हैं ऑटो फीडर, अपने घर के बाहर ही लगा रहा हूँ, मेरा कब से प्लान था बट हो नहीं पा रहा था, तो आज उमेश शॉर्ट थे मेरे साथ, तो मैंने बोला लगा ही लेते हैं, और आप भी लगा सकते हो अपने घर के बाहर। मैंने तब बंजारा बॉय, अगर आप देखते होंगे ब्लॉग, तो उनसे इंस्पायर होकर लगाया है, मतलब ये मतलब बेसिकली डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, क्योंकि उनको खाना नहीं दे पाता, तो मैं तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरे को बता देना, जो भी मेरे को पर्सनली जानते हैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो चलेगा। और हम ऐसे कुछ ऑटो फीडर बना रहे हैं आज, ये देखना ऐसे, तो इसमें हम खाना डालेंगे ऊपर से, ऑटोमेटिक फिर रिफिल होता रहेगा, मतलब इसको फिल करना पड़ेगा, बाकी इसमें ऑटोमेटिक नीचे आता रहेगा खाना। और अभी बनाएंगे और अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसा बनता है, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है वो मेरे को डीएम कर सकते हैं इसको लेके, हम मिलते करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हर टाइम हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि कभी कभार मतलब डेली तो मैं भी नहीं फीड कर सकता, बट अगर हमने पहले एक से स्टार्ट किया है फिर और भी लगा सकते हैं हम धीरे धीरे, तो लेट्स सी कितने लगा पाते हैं। और अभी आपको घर जाके दिखाएंगे क्या चीज़ है। गाइस, ऑटो फिटर ले लिया हमने और अभी घर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, और जो जो लगवाना है मतलब जो जो हेल्प करना कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, और मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें डॉग फीड ही लगती है, और हम ट्राई करेंगे कि जब जितना हो सके हमसे, बाकी आप भी अगर अपने एरिया में लगाना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, कोई भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा आपको आराम से। और हमने स्टार्ट किया है अभी थोड़ा रिस्पॉन्स देखते हैं कि हम अगर कर पाते हैं तो फिर हमें, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम और जगह भी लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने देखा बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं और उनको ना मतलब खाना मिलता भी नहीं है, तो मतलब एक बहुत सारे हैं, मतलब कि उनको कोई दे भी नहीं सकता पर्सनली अपने घर से, मतलब एक इंसान भी नहीं दे सकता, बट अगर हम मंथली थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करते हैं जितना भी हो सके, 100, 200, 10, 20 रुपये, जितना जिसकी इच्छा हो उतना कर सकते हैं। बाकी हम अभी लगा के दिखाते हैं आपको घर जाके। सो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं ऑटो फीडर, और फिर ऐसे कुछ लगेगा ये पोल पे, कहीं भी लगा सकते हो आप। सो गाइस, ये है और हमने ये बना दिया है, और ये ऐसा कुछ लगता है, और यहाँ पे अभी फीड डालेंगे ऊपर से, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा, जैसे जैसे खाते रहेंगे लोग तो वैसे वैसे ही होता रहेगा, और इसके लिए फीड लाएंगे अभी हम शाम को, और फिलहाल ये लोग जा रहे हैं तो इसलिए मैं लेके आऊँगा जब फीड, तब मैं आपको दिखाऊँगा शाम को बाकी का प्रोसेस की कैसा होता है ये। यहाँ देखो सबको टीका लग रहा है, जिसको नहीं दे रहा वो यहाँ जो नो, ये देखो ये देखो देखो, एक तो आया भी नहीं, एक तो आया भी नहीं, कोई नहीं, आ गया डोनेशन, आ गया डोनेशन, आ गया डोनेशन, आ गया। सुनो मेरे को भी लगा, लाओ लिफाफा तेरे को ना बहुत दिया रखा, लाओ लिफाफा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, काली टिकल लगा दे लिफाफा में चाहिए रहता है, लो लो। कुत्तों के लिए वो हमने खोला है ना डोनेशन वाला, लोग थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, दोस्त वगैरह सबने बोला है, अभी अभी एक खुला है, अभी फिर और भी खोलेंगे हम धीरे धीरे, अगर कोई 50-100 रुपए भी देना चाहे, जितना 10-20 रुपए भी देना चाहे। अरे तो यार जो नहीं दे रहा वो उसकी इच्छा है ना, सुनो जो नहीं दे रहा वो इच्छा है। ये लोग जा रहे हैं सब आज, और ये देखो हमारे आखिरी गेस्ट भी हमारे इतने दिन से साथ, अब ऐसा लगेगा दो दिन दिन की कोई नहीं है घर पे, देखना चाची चाची कहाँ जा रहे हो आप यार, भी अब अगले महीने जाना, सूरज के बर्थडे पे चलेंगे पॉइंट। सुनो यहाँ पे डॉग फिटर लगा दिया है देखो, ये इसका तो मैंने स्टोरी बता दी है, फिलहाल लोग देख रहे हैं, सब हेल्प कर देना जो जितनी कर सकता है प्लीज, 10 रुपए चाहे 5 रुपए, 2 रुपए, और यहाँ सब जाते हुए चलो यहाँ सब जा रहे हैं फाइनली। और यहाँ देखो लूना सबको बाई कर रही है, देखना लूना रो रही है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लूना मिस कर रही है। बाय
अरे कोई नहीं, बाई करने दो उसको सबको, चलो चल। हाँ भाई, यहाँ कौन पैर छुएगा? हाँ खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो। बाद में छूना, अभी दोबारा छूने पड़ेंगे। कुछ कुछ तो फायदा बड़े होने का। देखो वहाँ देखो, चाची चलो नमस्ते, ठीक है आना। आप कहाँ जा रहे हो अभी? गाड़ी की डिलीवरी देख के जाना अभी। अब पॉइंट आऊंगा मैं तेरे बर्थडे पे, मिलता हूँ तुम सब ब्लॉग्स में। देखना नहीं है, सबसे ज्यादा मिस कर रही है इनको, देखना कहाँ चलेगी, इनके पैरों के नीचे छुप गई कि मेरे को भी ले जाओ ऋषिकेश घुमाने। यहाँ धूप नहीं हो रही ना चाची, वही बोल रही कि धूप चाहिए मेरे को। वो भी कांप रही थी पता नहीं, सब जा रहा भाई तू यहीं रह रहेगा, तू तू क्या अपने बर्थडे में जाइएगा? पोंटा क्या जा रहा है तू, छोड़ फिर अपने बर्थडे में आना पोंटा। चलो बाय, जल्दी आ जाइयो, ठीक है? चल ठीक है, चलो बाय। हाँ वो पता करूंगा, चलो पैसे पहले मत देना उसको, ठीक है? चल बाय, देंगे पहले मत देना, चलो बाय बाय। रोकी रही प्रिया, ये तो आएगी फिर से यहाँ। चलो ठीक है बाय, चलो बाय बाय। हाँ गाइस फाइनली चले गए सब लोग। तो गाइस कुछ डोनेशन तो स्टार्ट हो गई है, मतलब जो मेरे हमारे फ्रेंड्स थे कुछ हो गई है स्टार्ट, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है अभी तक तो, और फिलहाल सही चल रहा है। और ऐसे अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी ज़्यादा कर पाएंगे, जितना भी आपको हो सके, 10 रुपये 5 रुपये जितने भी आपकी इच्छा हो, जितनी आपके पॉकेट अलाउ करती हो उतना आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आया था यहाँ पे और इसको मैं पेंट कर रहा हूँ, थोड़ा वाइब्रेंट कलर बचा था घर पे, पेंट हुआ था ना अभी, तो इससे पेंट कर रहे हैं और ताकि ये थोड़ा चमके और लोग इसको देख पाएं, और ये सब जगह करेंगे हम ऐसा जहाँ भी लगाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल इसको पेंट कर रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस तो ऐसा लग रहा है पेंट करके, और थोड़ा सा शाइन मार रहा है, मेरे को लगता है कि हमको थोड़ा डार्क कलर लेना चाहिए, येलो या फिर ब्लू कॉन्ट्रास्टी कलर जैसे रेड हो गए। और हमने मेरे थोड़ा पेंट बचा था ब्रश में, तो मैंने ये 1 भी लिख दिया, तो इससे याद रखेगा पहला हमने यहाँ खोला है तो इसलिए। और यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि मेरा घर है तो यहाँ पे किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए वैसे, और तभी मैंने पहला अपना घर से स्टार्ट किया है जिनके आसपास हम लगा सकते हैं ये, और जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये सही रहेगा। और फिलहाल हमने इसको कलर कर दिया है, तो आज का टास्क हो चुका है हमारा कंप्लीट, और ये रहा हमारा बूथ नंबर 1। सो गाइस अभी मैं आया था मम्मी पापा और के साथ थोड़ा बैंक, और यहाँ उनको कुछ काम था तो इसलिए मैं आया हूँ। अब जब तुम गाड़ी सीख लेते हो तब तुम घर के ड्राइवर बन जाते हो, तो जहाँ पे जाना होता है, और ऊपर से रुकी में ठंड भी तो इतनी हो रही है कि लोग स्कूटी बाइक में तो जा ही नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते तुम जाने का। लेकिन ना ऐसा और माहौल और है ना, कहीं धूप है ना कहीं कुछ है, मतलब कम से कम न्यू ईयर से लगा लो, आज 10 तारीख हो गई है, 10 दिन न्यू ईयर से भी पहले 2-3 दिन पहले तक नहीं थी धूप, अब लगा लो तुम 12-13 दिन से धूप ही नहीं दिखी है। एक दिन आई थी बीच में बट वो भी बहुत हल्की फुल्की थी, और एक दिन जिस दिन हम सुरकंडा देवी जी के मंदिर गए थे वहाँ भी आई थी, उस दिन बता रहे थे लोग, तो हम तो यहाँ थे नहीं तो हमने देखी नहीं धूप। लाल होप कभी तो धूप आ जाए यार, मतलब कभी तो धूप आ जाए यार, मतलब इस एक्सपेक्ट में हम हर रोज उठते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन पे फिर ऐसी कोहरा छा जाता है। तो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला मैं क्या ही करूँगा अंदर जाके, तो जस्ट चिलिंग। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है अभी तक, मतलब बहुत सारे ऐड हुए हैं हमारे साथ। बाकी जो ये व्लॉग देख रहे हैं और आपको भी कुछ ऐसा करना है तो मतलब मेरे को आप पर्सनली कमेंट कर दीजिए, या नीचे कमेंट कर दीजिए जो मैसेज नहीं कर सकते पर्सनली, और या फिर जो जानते नहीं है मेरे को वो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा, फॉरवर्ड कर लूँगा आपको, बस कॉल करना उस नंबर पे, बाकी मैं बता दूंगा आपको जैसा भी होगा। गाइस ये देखो यहाँ पे क्या दिखा हमको, ये है जर्मन जो होते हैं ना आर्मी डॉग, उनको देखो पूरा ट्रेन किया जाता है, देखना बिल्कुल लीश पुन्नी कर रहा है ये, देखो क्या समझदार होता है ना ट्रेन करके। सो गाइस अभी हम आए थे यहीं पे, तो डिस्कशन चल रहा था पेज से रिलेटेड ही जो हम कर रहे थे अभी, अभी यहाँ पे चल रहा था सब कुछ चेक कर रहे थे हम, पेज वगैरह बना रहे इंस्टाग्राम का तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमने चूज किया है नाम क्या था, हो गया ना लाइव पेज तो लाइव हो गया, तो हमने चूज किया है पेज का नाम क्या था, सो हमने डिसाइड किया है पेज का नाम कोशिश केयर, तो आप भी फॉलो कर सकते हो, लिंक बायो में होगा, तो वहाँ पे भी आप कोई भी क्वेरीज वगैरह स्टोरीज वगैरह आप देख सकते हो, जो जो हम काम करेंगे वो वहाँ अपलोड कर देंगे साथ साथ, या फिर जब तक होगा मतलब हर दिन डेली अपलोड करते रहेंगे जो जो चल रहा होगा, बाकी पेमेंट्स का भी वहाँ डालते रहेंगे स्क्रीनशॉट स्टोरी पे। सो फाइनली करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तो होप आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा,
और जो जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, जो थोड़े बहुत बड़े हैं या फिर जो अपनी सेविंग से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो लोग जरूर करें थोड़ी सी हेल्प। मतलब थोड़ी थोड़ी भी बहुत मैटर करती है इसमें। तो होप आपको पसंद आया होगा। और आप भी अगर ये नहीं कर सकते तो अपने घर में बस डॉग्स दिखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स या कुछ कोई भी दिखते हैं, तो उनको खाना खिला दीजिए, वही काफी है। तो मिलते हैं कल आपसे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो कल आज हमने जितनी डोनेशन करी वो कल उससे फीड वगैरह लाएंगे, तो कल आपको दिखाएंगे वो भी कैसे करते हैं हम सब कुछ। तो मिलते हैं कल आपसे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और आज सब लोग जा चुके हैं तो तभी इतना सुनसान लग रहा है और नींद भी आ रही है, तो और सबकी याद भी आ रही है। तो मिलते हैं कल आपसे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।